वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात शशुम मज़मून तारीख़ और शहरियत इस किताब से शहरियत का सबक नंबर 4 शहरी मकामी इंतज़ामी इदारे इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 4 शहरी मकामी इंतज़ामी इदारे सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, सही मुतबादिल पहचान कर लिखिए। इसका पहला है, भारत में सबसे पहले खालिजा के शहर में महानगर पालिका कायम की गई। इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई या आगरा। तो इसका सही जवाब लिखना होगा मुंबई। भारत में सबसे पहले मुंबई शहर में महानगर पालिका कायम की गई। अब नंबर 2 है, जो देहात शहर में तब्दील हो रहे होते हैं वहाँ का कामकाज देखने वाला इदारा खाली जगह। तो इसके ऑप्शन हैं नगर परिषद, महानगर पालिका और नगर पंचायत। तो यहाँ हमें लिखना होगा नगर पंचायत। जो देहात शहर में तब्दील हो रहे होते हैं वहाँ का कामकाज देखने वाला इदारा नगर पंचायत। अब नंबर 3 है, नगर परिषद के माली मामलात का जिम्मेदार। इसके ऑप्शंस हैं सदर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कमिश्नर। तो इसका सही जवाब हमें लिखना होगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नगर परिषद के माली मामलात का जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अब सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। इसका नंबर 1 है, शहर में कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं। तो इसका जवाब लिखना होगा, शहरों में दर्ज झील मसाइल दरपेश होते हैं। नंबर 1, रिहाइश का नाकाफ़ी इंतज़ाम। नंबर 2, जगह की किल्लत। नंबर 3, ट्रैफिक की दुश्वारियाँ। नंबर 4, कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का मसला। नंबर 5, बढ़ते हुए जुराम। नंबर 6, बढ़ती हुई गंदी बस्तियाँ और वहाँ की गुंजान आबादी। नंबर 7, हिफ्ज़ान सेहत की सहूलतों की कमी। और नंबर 8, पीने के पानी की किल्लत। अब उसी का नंबर 2 है, महानगर पालिका की मुख्तलिफ कमेटियों के नाम लिखिए। इसका जवाब लिखना होगा, महानगर पालिका की मुख्तलिफ कमेटियों के नाम दर्ज झील हैं। नंबर 1, स्टैंडिंग कमेटी। नंबर 2, तालीमी कमेटी। नंबर 3, सेहत आम्मा की कमेटी। नंबर 4, आमदोरफ्त की कमेटी। और नंबर 5, आबरसानी कमेटी वगैरह। अब सवाल नंबर 3 है, दिए गए नुकात की मदद से शहरी मकामी इंतज़ामी इदारों के बारे में मालूमात देने वाली जदूल बनाइए। यहाँ पर हमें जो जदूल नज़र आ रहा है इसमें नुकात दिए हुए हैं ओहदेदारान, अरकान की तादाद और अफसरान। तो इसके ताल्लुक से हमें नगर पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका की मालूमात लिखनी होगी। सबसे पहले हम ओहदेदारान की मालूमात लिखेंगे। तो नगर पंचायत का जो ओहदेदार होता है वो सदर और नायब सदर होते हैं। नगर परिषद के ओहदेदारान भी सदर और नायब सदर होते हैं। और महानगर पालिका के ओहदेदारान मेयर और नायब मेयर होते हैं। अब दूसरा है अरकान की तादाद। तो नगर पंचायत में अरकान की तादाद कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होती हैं। नगर परिषद में अरकान की तादाद कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 होती हैं। और महानगर पालिका में अरकान की तादाद शहर की आबादी के तनासुब में अराकीन की तादाद का तायुन किया जाता है। मतलब यहाँ पर फिक्स नहीं होती, शहर की आबादी के लिहाज से अराकीन की तादाद होती है। अब अफसरान देखेंगे। नगर पंचायत का जो अफसर होता है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। नगर परिषद का जो अफसर है वहाँ लिखना होगा चीफ ऑफिसर। और महानगर पालिका का जो अफसर है वो है म्यूनसिपल कमिश्नर। तो इस तरह ये जदूल हमें मुकम्मल करना होगा। अब सवाल नंबर 4 है, बताइए तो भला। उसका पहला सवाल है, नगर परिषद के ज़रूरी कामों में कौन कौन से काम शामिल हैं। तो इसका जवाब लिखना होगा, नगर परिषद के ज़रूरी कामों में दर्ज झील काम शामिल हैं। नंबर 1, पीने के पानी का इंतज़ाम करना। नंबर 2, आम सफाई और गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम करना। नंबर 3, आम सड़कों पर रोशनी का इंतज़ाम करना। नंबर 4, पैदाइश, मौत और शादी ब्याह का इंतराज करना। और नंबर 5, प्राइमरी तालीम की सहूलत फराहम करना। अब उसी का नंबर 2 है,
नगर पंचायत किस जगह होती हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा। रियासत में कुछ ऐसे मकामात होते हैं जो पूरी तरह न देहात होते हैं और न शहर, ऐसे जगह नगर पंचायत होती हैं। इसी तरह जो देहात शहर में तब्दील होने के अमल से गुज़र रहे होते हैं, वहाँ कामकाज चलाने के लिए मकामी इंतज़ामी इदारा नगर पंचायत होती हैं। अब सवाल नंबर 5 है, आपके ज़िले में नगर परिषद, नगर पंचायत और महानगर पालिका जिन मकामात पर कामकाज देखती हैं, उनके नामों की फहरिस्त बनाइए। आपको यहाँ पर आपके ज़िले के ताल्लुक से मालूमात लिखनी होगी। ये आज़ादा ना जवाब वाला सवाल है, क्योंकि हर ज़िले की मालूमात अलग होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका जवाब नहीं लिखा हुआ है। ये आप लोगों को अपने आप ही लिखना होगा कि आपके ज़िले में किन किन जगहों पर नगर परिषद है, किन जगहों पर नगर पंचायत है और किन जगहों पर महानगर पालिका है। तो इस तरह आप लोगों को ये सवाल अपने आप ही हल करना होगा। तो उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालों के जवाब आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।